और आपको ना एक मैं मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, वो है हम लोग भादाली पत्ता बोलते हैं इसको, एसमिस में भादाल पात बोलिया कोय। ये बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए, स्पेशली ब्लड के लिए। आई थिंक ब्लड प्यूरिफाई करता है या फिर कुछ ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, ऐसा कुछ है। तो उसका मैं टिक्की बनाया है, वो भी आज शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप ज़रूर इसको घर पर ट्राई कीजिए और देखिए। ये देख रहे हैं आप, इसको मतलब हम लोग बोलते हैं, हम बंगाली में इसको भदाली पत्ता बोलते हैं। इसका मैं आज डिनर में इसका कुछ टिक्की जैसा बनाऊंगी। ये एक्चुअली हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ब्लड ब्लड प्यूरिफाई करता है, मेरे मम्मी पापा बोलते हैं। और इसका मैंने छत पर एक मतलब इसका पौधा लगाया था, मैं मायके से लेकर आई थी। बहुत ही टेस्टी है ये खाने में, इसका सब्जी भी बनता है। और ऐसे में इसमें इसको भदाल पात बुली को है, और बाकी आप लोग क्या बोलते हैं कोई मुझे बोलिएगा अगर आप लोगों को पता है। इसको मैं अभी चॉप कर लूंगी। अभी मैं इसमें मिलाऊंगी कुछ ऑनियन, ग्रीन चिलीज और बेसन। और अगर चावल का आटा हो तो वो मतलब ऐड करने से भी टुकड़ापन आता है, या फिर सूजी। और नमक हल्दी तो है ही कंपलसरी। ये एक्चुअली टिक्की बनाना इतना हेल्दी नहीं है, इसका अगर सब्जी बनाए ना वो ज्यादा हेल्दी है। तो मुंह के स्वाद के लिए टिक्की ज्यादा अच्छा रहता है, टेस्टी लगता है खाने में। लॉट्स ऑफ ग्रीन चिलीज। सबसे पहले यहाँ पर बेसन, और थोड़ा सा मैं सूजी दे दूंगी, ऐड करूंगी। सूजी से थोड़ा सा क्रंचीनेस आएगा इसमें। नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बस और कुछ नहीं जाएगा इसमें। और अगर आप लोगों के पास धनिया पत्ता हो तो वो तो सोने पे सुहागा, लेकिन मेरे पास तो फिलहाल धनिया पत्ता नहीं है, तो इससे ही काम चलाना पड़ रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी देकर मैं इसको एक साथ में मिला लूंगी। हाथों से मिला लूंगी इसको, अच्छी तरह से हाथों से मैंने देखिए ऐसा कर लिया है, एकदम पकोड़े जैसा होगा। इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। सिर्फ इतना, इस पत्ते का एक अलग सा थोड़ा फ्लेवर होता है, तो जो लोग नहीं खाते उसके लिए फर्स्ट फर्स्ट अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग तो बहुत ही खाते हैं।
स्पेशली हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अभी पैन में छोटा छोटा करके मैं पकोड़े जैसा बना लूंगी। आप लोग चाहे तो बड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। छोटा छोटा होने से ना देखने में अच्छा लगता है मुझे। अगर आप लोगों को ये पत्ता मिल जाए तो एक बार ना इसको ट्राई जरूर कीजिए। स्पेशली अगर बच्चों को खिला पाए तो बहुत ही अच्छा है, पर मेरी बेटी तो श्रद्धा तो खाती ही नहीं है। अभी इसको एक बार टर्न कर देती हूँ। देखिए एकदम पकोड़े जैसा है ना। मैं तो इसे चाय के साथ भी खाती हूँ। आज चावल के साथ खा लूंगी, गर्मा गर्म चावल। ये हो गया है और श्रद्धा के लिए मैं एक उठा लेती हूँ, ट्राई करूंगी। ये श्रद्धा का भी डिनर का प्लेट रेडी है।